और गेंदबाजी के बाउंडर संभालने के लिए गवान के आर्म भी गेंदबाज अलंकार कोहली गेंदबाजी करेंगे। और मैदान के अंदर गेंद दीजिए हमारे मैच रेफरी सोमनाथ पाटिल जो वाजे से बिलोंग करते हैं और तेजस मात्रे साहब इनके नेतृत्व में वो अभी काम कर रहे हैं। और उन्होंने कह दिया कि सोमनाथ डर मत, अगले साल जैसा मेरा हो वैसा तेरा भी मैं करने वाला हूँ और जल्द जल्दी आप थोड़ी मुझे लग रहा है कि जैसा नवंबर महीना खत्म हो जाएगा तुलसी विवाह खत्म होने के बाद मात्र साहब स्टेटस के ऊपर रखिए हमारे पास है लड़का। मैच को शुरुआत और उनके साथ हमारे चाम्बो भी है लेकिन ये लोग शादी नहीं करेंगे, इन लोगों की मजा ऐसे ही। मैच की शुरुआत और इस बीच पहली गेंद अलंकार गेंद फेंकेंगे प्रतीश को, खराब गेंद है। व्हाइट के साथ अतिरिक्त रनों के साथ खाता ओपन, स्कोर वन। शानदार जानदार आयोजन नियोजन। बीच नेक्स्ट बॉल इनके पहली बॉल फेंकेंगे, पहली गेंद खराब साबित हो गई है। और हवा में लॉब किया है, विकेट कीपर नहीं छोड़ेगा, इसका दिन है आज। मुझे मालूम है अनिकेत का, अनिकेत ने सुबह का चेहरा किसका देखा है, परफेक्ट काम। आजकल का जमाना थोड़ा सा फास्ट है, पहले के जमाने में चिट्ठी के ऊपर प्रेम चलता था, अब तो लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गए तो फेसबुक के ऊपर बैठ इंस्टा सब कुछ है, चादर के अंदर से रात भर बातचीत। सोमनाथ चाम्बो के बारे में क्या कहो यार, चाम्बो हमारे बहुत ही बढ़िया है, महाभारत के भीम के बाद भीम किधर है तो इधर है। नहीं वैसा हम नहीं बोले, हमारे दोस्त है वो प्रवीण दुगाड़े, हमारे कहते हैं चाम्बो हमारे दोस्त है। और पहला झटका, पहली कैच लपक लिया, सफलता मिली अलंकार को, स्कोर वन, लॉस ऑफ वन विकेट। नए बल्लेबाज आ चुके पार्थ, चलिए पार्थ साहब आपकी छुट्टी हो गई। क्या होता है बल्ले का बेहतरीन हिस्सा लगते हैं तो मेरे कान इतने जबरदस्त है ना, मेरे पर्दे के अंदर जाकर वो कट का आवाज जाते कंप्लीट। दूसरा विकेट बाहर, क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, एक मैच में हीरो है तो अगले मैच में जीरो है। अब विराट कोहली की हेयर स्टाइल के बल्लेबाज मैदान के अंदर कालंदर के आ चुके हैं, कल्पेश। दो विकेट मैदान से अलंकार ने चलता कर दिया है। और गेंदबाजी और एंट्री का मौका है, घुमाने गए थे लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं है, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में, डॉट गेंद की समाप्ति। होता है रन अप थोड़ा सा चूका हुआ है, जबरदस्त सामने हाईवे एक्सप्रेस पुणे का, इतनी बड़ी इमारतें और प्रजापति बिल्डिंग हमारी बन चुकी है, लगता है थोड़ा पैसा हमारे पास कम है, नहीं तो 100% ब्लॉक हम लेती। उछली हुई गेंद, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, डॉट गेंद की समाप्ति हो चुकी है पूरी तरह से। गवान के गेंदबाज यंगस्टार है दोनों टीम, लेकिन गेंदबाजी गवान की काफी घातक चल रही है। यस नारपोली टीम को उन्होंने इस बार देखा जब पूरी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और क्वालिफाइड टीम थी इस बार देखा, लेकिन उन्होंने परास्त कर दिया। इस बार यह देखना पड़ेगा, समझने से क्या आउटसाइड ऑप्शन गेंद रखी हुई है, अंतिम बॉल सोमनाथ शेष है। सोमनाथ ने देखिए पीली जर्सी पहनी हुई है, अगले साल हल्दी लगाना है शरीर के ऊपर। चाम्बो देखिए, चाम्बो 45 के उनकी जर्सी और वाइट गेंद है, ऐसा लग रहा है काले साहब अनिल टेम्बे जी और काले साहब इस बार मैच का मध्यस्थी की भूमिका निभाते हुए। स्कोर दो, अंतिम बॉल शेष है, एक इस बार डीप पॉइंट है, एक्स्ट्रा डीप एक्स्ट्रा कवर है, लंगा पे लंगा ने
भाई साहब ऐसा नहीं, प्रवीण दुगाड़े क्या कहे, देखो जानवर परखो पार करो, बॉल को देखो टप्पा कहां पड़ रहा है महत्वपूर्ण नहीं, अगर वो आप करेंगे तो कामयाब बनेंगे। जानबूझकर आप गेंद मिस नहीं कर रहे, लेकिन आप गेंद मिस करेंगे अपने अपोजिट टीम के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ जाएगा, नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ओवर की समाप्ति, स्कोर 2, लॉस ऑफ 2 विकेट। और अब बॉलर आए हैं विनय, इस बार यहां क्या अंपायर, मुझे लगता है गेंद तो उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन इस बार गेंद जब टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊपर चढ़ी। डॉट गेम की समाप्ति हो चुकी है और हवा में लॉब किया है, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम, वो नहीं छोड़ेगा। अरे वाह, गवान के हाथों में फेविकॉल मजबूती का है इस टूर्नामेंट का, उन्होंने तीसरा कैच लपक दिया। कौन है वो? साहिल कोहली, बाबा मस्त। और इस बार सभी कोहली बांधव मौजूद है, तीसरा विकेट बाहर चला गया है। और इस ओवर की अभी तक 4 गेंदे शेष है, 3 ओवर की यह मैच है और इसके बाद अंतिम मैच सुपर 4 का भिंगारी बनाम यहां से विनर टीम के साथ होगा मुकाबला, आखिरी मैच आज के दिन की। आदर्श ट्रॉफी का यह शानदार आयोजन नियोजन, और इसी बीच अपील मांग की है विकेट कीपर ने, बॉलर अंपायर को कह रहा है कि क्या कर रहे हैं अंपायर, आउट नहीं दे रहा तू, लेकिन अपील में उत्साह ज्यादा था, विश्वास कम था। एक सिंगल मिलेगा। आदर्श स्पोर्ट पनवेल भव्य रबर बॉल प्रतियोगिता तेजस जी मात्र विशाल जी जीते कर इनके माध्यम से क्या हुआ, काफी जबरदस्त आयोजन नियोजन। ये उड़ाया गेंद को, गैप में गेंद चली गई, डीपैक्स तक और वाले है, आज गवान वालों का दिन है। आदित्य ओवर बिल्डिंग जबरदस्त और एक सिंगल के साथ स्कोर 4 के घर में। अभी स्ट्राइकर बल्लेबाज आ चुके महेश, महेश कल पेशे जोड़ी और या जाओ 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 तुम जाओ तुम जाओ कल्पेश, कानून क्रिकेट के बहुत नया है जरा, वो पुराने जमाने मत जा, हमारे यहां मंडप के ऊपर गेंद अटक गई थी ना, मंडप के ऊपर चढ़ के फेंक दिया, कानून बदल गए भाई साहब। अरे बॉलर उसको आने तो जरा धीर, ऐसा रन लेने का नहीं, अभी कानून बदल चुके। डॉट गेंद कालम देने वाले के बल्लेबाज मिस हो रहे, इस बार देखा है महेश, टीम का कछुआ के मंद गति का स्कोर चल रहा है 4 और आखिरी बॉल शेष है सोमनाथ इस ओवर की, ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर हुई है, एक बॉल है क्या, देखिए पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, तीसरी गेंद बाय, चौथी गेंद के ऊपर सिंगल, पांचवी डॉट और छठी डॉट। रुकिए रुकिए, ओवर झाले भाई, पहला चेंडू डॉट, दुसरा चेंडू और विकेट, तीसरा चेंडू बाय, चौथा चेंडू एक धाव, पांचवा चेंडू और डॉट गेलाय आणि सहावा चेंडू डॉट गेलाय, असो ते आमच्या पंचजण थोडा उपवास आहे। लेफ्ट हैंड रबर बॉल 24 लाविन के लावी के केतन पाटिल, इनका आगमन हो चुका है तो उनका हम हार्दिक स्वागत कर रहे हैं। मिनी योगेश पवार पेन के, शॉट अच्छा है, शॉट अच्छा है भाई साहब, जान दो, मैं बोला ना जाने दो, उसका मतलब कोशिश भी नहीं करने कभी। अरे ऐसे शॉट हमने बहुत मारे थे और ऐसा दन का दिया था ना तो लोग देखते रहे। स्कोटिंग स्वागत किया है,
और इस बार हवा में जरूर गेंद है, सिंगल मिलेगा दूसरे के लिए, भागो, दो होंगे और तीसरे के लिए जाओ, दौड़ो, भाग मिलकर भाग, चल भाग, मैं भाग बोला ना तो रुकता क्यों है, मैं बोलेगा भाग, चल अभी अभी लटक जाएगा, अभी पकड़ गए तू, ए चलो, अरे भाई साहब लगान फिल्म वाले कचरा बिचरा अंदर आ गए, चार रन दौड़ के पूरा कर दिया और चार के साथ स्कोर पहुंचा 14 के घर में। आखिरी इस बीच चार गेंदे शेष है, चौदह स्कोर हो चुका है, लोअर फुल टॉस गेंद है, कोई रन इस गेंद के ऊपर, आखिरी तीन बॉल शेष है, नेक्स्ट मैच भिंगारी मना में, यहां से विनर टीम के साथ होगा सुपर फोर का अंतिम मुकाबला। हाँ, उन्होंने बड़ा फटका निक दिया, यस मिलेगा सिंगल, कोई जरूरत नहीं थी वहां खेलने का। अभी कुणाल के पास एक पार्टी देने का है और कुणाल के बाद अब मात्रे साहब की घन मशीन चालू होगी। टीम का स्कोर 15 लॉस ऑफ 3। आखिरी दो बॉल शेष है, उनके ऊपर प्यार है सभी का। और अंतिम दो बॉल, और ये बॉल थोड़ी सी खड़े से खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद इस बार थोड़ी ऊपर चढ़ी और गेंद ने बल्लेबाज को मिस किया। अंतिम बॉल शेष इस अंतिम ओवर की, 17 गेंदों में इस बार देखा जाए 13 गेंदे डॉट खाई है। फुल टॉस जरूर गेंद है, गैप में गेंद को धकेला है, डीप एक्स्ट्रा कर खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे, एक सिंगल छुड़ाया दूसरे के लिए जा रहे, रनआउट का मौका, अंपायर इस बार आउट खिलाड़ी, और एक सिंगल के साथ कालमेर टीम का स्कोर है 16 और जीतने के लिए गवान 11 गवान टीम को, यानी कि 18 बॉल में 17 रनों की 17 रनों की जरूरत है, 18 बॉल और 17 रन। और इस मैच के बाद अंतिम मैच होगी और वो मैच भिंगारी मनाम, यहां से विनर टीम के साथ होगा सुपर फोर का मुकाबला आज के दिन का। अंडर 20 का ये आयोजन किया हुआ है, काफी जबरदस्त तगड़ा, तो चलिए एक बार फिर से मैच में रंगत आएगी। 16 रन हो चुके हैं और जीतने के लिए 18 बॉल 17 चाहिए, तो थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए, आपको विनती है गवान के कप्तान और कवेंद्र कप्तान को। 18 बॉल 17 रोशन की जुबानी सुनिए, क्रिकेट की कहानी बनेंगी, हम लेते रेस्ट, मिलते अगले मैच के लिए, नमस्कार। हेलो, धन्यवाद मिजी मात्रे। 18 चेंडू मध्ये 17 धावा हे कॅल्क्युलेशन, आता अंतिम सामन्याकडे आपण वळणार आहोत। यानंतरचा सामना असेल भिंगारी विपक्ष विनर टीम, अशा दोन संघांच्या दरम्यान 18 धावा चेस करायचे आहेत। 17 धावा 18 चेंडू मध्ये चेस करायचे, मागच्या सामन्यामध्ये एक तरफा सामना जिंकला, अगदी वन साइडेड बॅटिंग आपण अनिकेतची पाहिली, 31 धावांचा पाठलाग करताना यंगस्टर नारपोली संघाला पराभूत केला। आता कावंद्रे संघासमोर खतर एक मोठं आव्हान असेल या मॅच मध्ये धावा वाचवणं, कारण समोर आपण पाहिलं गव्हाण संघामध्ये चांगली बॅटिंग स्ट्रेंथ आहे। चला पप्या भाई या आपण बाहेर, तेजस मात्रे यांचे राईट हँड, पप्या भाई आणि चार्ली भाई, एवन जोडी, तेजस मात्रे यांच्या स्पर्धेसाठी भरे योगदान। आणि मॅचला सुरुवात होईल आदर्श स्पोर्ट्स पनवेल आयोजित भव्य रबर बॉल स्पर्धा, आयोजक स्वतः तेजस मात्रे विशाल जितेकर यांच्या खरंतर माध्यमातून आपण ही स्पर्धा या ठिकाणी पाहत आहे। खूप चांगलं आयोजन नियोजन या स्पर्धेचा, पहिला दिवस चांगल्या पद्धतीची ही संकल्पना।
डावाला सुरुवात झाली अनिकेत स्टॅकिंग एंडला आणि गोलंदाजी मार्गमध्ये पहिल्या षटकामध्ये गोलंदाज येतोय पार्थ। पार्थ हा खेळाडू एक चांगला ऑलराउंडर या टीमचा। काउंद्रे संघ आपण पाहिला खरंतर मागील काही वर्ष जर आपण मागे गेलो तर खरंतर एक वेगळी दहशत या संघाची अनेक वेळा आपण पाहिली टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये। आज त्याच गावचे सर्व यंगस्टार खरंतर त्या गाव संघाचे त्या गावाचे सर्व भविष्य या मैदानामध्ये दाखवत आहेत आणि एका बाजूने गवान अंडर 22 या संघातील हे सर्व शिलेदार त्याने चमकदार कामगिरी केलेली आहे। ओव्हर द विकेट पार्क तयार। पहिलाच बॉल जबरदस्त पद्धतीने डिलिव्हर केलाय। खरं मागच्या सामन्यामध्ये ज्या पद्धतीने एक्स्ट्रा कबरच्या वरून दोन षटकार आपण पाहिले अनिकेत करून त्या गोष्टीवरून त्या दोन फटक्यामध्ये त्याचा क्लास त्याच्यामध्ये असणारं खरंतर क्षेत्राची शैली सर्व गोष्टी आपण पाहिल्या ज्यामध्ये त्याने शॉर्ट सिलेक्शन केले होते। हाफ ट्रॅकर आणखीन एक तडाखा। आजच्या दिवसामध्ये अनिकेत या फलंदाजाने प्रचंड इम्प्रेस केलाय। जबरदस्त पद्धतीने चांगल्या पद्धतीने हा फटका पूल केलाय। रोहित शर्मा स्टाईलने हा आपण फटका पाहिला शॉर्ट आर्म पूल केला बॉलला मिड विकेटच्या वरून बॉलला मात्र पाठवलं सीमा पार। सहा धाबा आल्या गव्हाण टीमला। आणखीन एक तडाखा त्या दिशेमध्ये प्रजापती कॉम्प्लेक्स जेवढा उंच आहे त्या उंचीचे हे फटके आपण पाहता मैदानामध्ये अनिकेत या खेळाडूच्या माध्यमातून। टोले जंग असे हे फटके टोले जंग इमारती इथे उभारले गेलेले आहेत आणि टोले जंग असे फटके तुम्ही इथे पाहताय। मग असे उल्लेख केला खरं तर या मैदानाचा अगदी मैदानाच्या बाजूला यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग एक्सप्रेस आणि भिंगारजी संपूर्ण स्क्वॉड थोडस कानमंत्र आय थिंक दिला असेल गुणाजी परदेशी आणि सामना जिंकलाय एक तर्फी मॅच। अनिकेतचा हा तडाखा सलग तीन षटकार। आता पुन्हा एकदा भिंगारी विपक्ष गव्हाण अशी लढत तुम्हाला पाहायला मिळेल। सामनावीर या सामन्याचा अलंकार वन्स अगेन अलंकार ज्याने मेडन षटक टाकला होता हा खेळाडू अलंकार। आणि बघा काउंद्रे संघाने दोन सामन्यामध्ये खेळाडू सामनावीर होते त्यांनी आपल्या ट्रॉफी घेऊन जा प्लीज ज्ञानेश्वर आणि त्याच्या बरोबरने आणखीन एक खेळाडू जो सामन्यामध्ये सामना होता त्यांनी यायचा आपल्या ट्रॉफी घेऊन जा पार्थ। ज्ञानेश्वर आणि पार्थ दोघांनी या आपल्या ट्रॉफी घेऊन जा। तत्पूर्वी अलंकारला कुणाल नाईक याच्या शुभ हस्ते आपण सामनाबराची ट्रॉफी देत आहोत। चांगला गोलंदाज या संघाचा पार्थ आणि ज्ञानेश्वर दोघांनी या आपल्या ट्रॉफी घेऊन जा आणि अंतिम सामन्याचा नाणेफेकीचा कौल आपण या ठिकाणी घेत आहोत। टॉस इथे केला जाईल भिंगारी आणि गव्हाण या दोन संघांमध्ये पार्थ